और ये भाई क्या फ्लाईओवर दी, ये हमेशा गिरते ही रहता है। कूलेंट भाई लिखा गया, ये देखिए वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुरेश शर्मा, आप देख सकते हैं बाइकर व्लॉग। गाइस आज है संडे और हम आज निकल पड़े राइड के लिए और जा रहे हैं हम माइथन डैम। और हमारे साथ है तीन बाइक, तीनों बाइक का मैं दिखा देता हूं आपको। ये है क्लासिक 350 और यशदीप, और पीछे है N250 और ये हमारे N250 आ गए हैं। सामने रिएक्शन लेने की कोशिश हो रही है। तो आज तबाही भाई राइड होने वाला है क्योंकि आज सब फोम में है। ये देखिए भाई, I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear. और माथन डैम यहाँ से पड़ता लगभग यार मेरे ख्याल से 30 किलोमीटर पड़ता है यहाँ पे, और हमारा फ्यूल खत्म हो चुका है तो हमें फ्यूल अप कराना पड़ेगा भाई। तो सामने पेट्रोल पंप पेट्रोल भरा ले रहा हूँ मैं क्योंकि आगे मिले चाहे ना मिले। सो गाइस फिल अप करा लिया बाइक में, अब निकलते हैं हम लोग। और निकलते ही पूरा तबाही से हो, भाई तो पूरा फोन में। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। मतलब कुछ भी भाई, अगेंस्ट बात है तो मैं तो गिर जाता। यहाँ पे चल रहा है चेकिंग, भाई लोगों ने पास कर लिया है। हाँ तो वहाँ भैया मिले थे, वही पूछ रहे थे यार कि तुमने मोबाइल कैसे लगाया अपने हेलमेट में, तो वैसे तो मैंने बताया कि ये मिलता है फ्लिपकार्ट पे अमाउंट वगैरह, तो वही उनको मैं बता दिया क्योंकि मुझे उनको भी चाहिए था, वो भी मोटर व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला है। भाई ये तो गेम खेल दिया है मेरे साथ। तो भाई वो इस भैया का तेल खत्म हो गया था तो सहवाज भाई आगे तक खेल देंगे वहाँ पे। भाई मतलब इस तरह ठहरने के लिए भी स्किल्स चाहिए, इस सब की बस की बात नहीं भाई। मैं तो करता हूँ ना तो लगता है मैं गिर जाऊँगा यार, इसलिए मैं नहीं करता इस तरह। बाकी उन लोगों को तो पूरा फुल कॉन्फिडेंस है। तो भाई साहब तो फिर से बारिश होने मौसम कर दिया, चलो देखते हैं क्या होता है भाई। तो यार हमने मतलब काफ़ी दूर तक साइड साइड साइड
तो गाइस वो रहा पेट्रोल पंप। कितना किलोमीटर? डेढ़ किलोमीटर तक खुद ही खींचा। भैया को हमने पेट्रोल पंप पहुँचा दिए और हम लोग जा रहे हैं फिर से, तो अब निकल पड़े हैं फिर से वाइसन की तरफ। और हम लोग माइथन के भाई काफ़ी करीब है, और ये भाई क्या फ्लाईओवर दिया यार, पूरा फुल फॉर्म में सवाज भाई। अरे 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 आराम से भाई 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 सुहाना बड़ा मौसम। तो ये है बंगाल और झारखंड का बॉर्डर, अब ये पड़ता है रास्ता डायरेक्ट माइथन की तरफ। और गाइस हम लोग आ चुके हैं फाइनली माइथन के पहाड़ियाँ, देख रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखो भाई पहाड़ी है, ये नज़ारे, ये पहाड़ी पहाड़ियाँ। तो पहले हम लोग इधर जाएंगे डैम की तरफ, उसके बाद जाएंगे हम लोग पानी वानी की तरफ, वो थोड़ा पिकनिक एरिया उस साइड। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? ये देखिए, अरे भाई पानी, भाई गर्मी का मौसम है तो पानी थोड़ा कम है, क्या भीड़ है यार। तो यहाँ बिजली बनता है यार, और ये रहा माइथन डैम। तो हम लोग अभी डैम का जस्ट ऊपर ही है, तो यस हम लोग पहुँच चुके हैं माइथन डैम। तो भाई लोग देख सकते हैं यहाँ बहुत पानी, मतलब यहाँ तक हुआ करता था, तो गर्मी है नहीं इसलिए वजह से पूरा पानी घट गया। और ये हमारा आज का लाइनअप, ये 220, 950, ये हमारा आज का लाइनअप है। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ, तो
चलिए करते थोड़ा सिनेमैटिक शूट। तो गाइस देखिए हम लोग सिनेमैटिक शूट। आई होप बहुत इन्जॉय किए होंगे आप लोग सिनेमेटिक शूट को। तो यार कैसा लगा भाई कमेंट करके बताना। पे हम लोग का वीडियो शूट फोटो शूट वगैरह हो गया है और हम लोग चलते हैं उस स्पॉट की तरफ, उधर पिकनिक स्पॉट है तो वहाँ पे जाएंगे क्योंकि वहाँ पानी बहुत क्लोज है सामने है, वहीं जाके हम लोग कुछ रील वगैरह बनाएंगे बाइक को पानी में डाल के। तो गाइस हम लोग मतलब व्हीली ही मारते रहो सब। तो यहीं से हम लोग बाइक की ओर मुड़ेंगे। देख रहे हो गाइस पूरा शांति शांति बस हम लोग जा रहे हैं। इधर भाई साहब कितना डेंजर रास्ता है यार, इधर भी गड्ढा इधर भी गड्ढा और बीच में इतना पतला रास्ता है यार, देख रहे हो। तो यार पहुंच चुके हम लोग। ये देखो तो कुछ इस टाइप का नजारा यहाँ पे है। तो गाइस पहुंच चुके हम लोग किनारे की ओर, तो करते हैं कुछ सिनेमेटिक शूट। तो देखिए आप लोग भी गाइस आप लोग यहाँ का सिनेमैटिक शूट कैसा लगा यार? अगर अच्छा लगा तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना। और इन लोग का गोप्रो का बैटरी डाउन हो चुका है गोप्रो वाले, हमें क्या, हम तो मोबाइल वाले हैं आराम से। ये देखिए तो यार हम लोग सोच रहे कि उस टापू की ओर चला जाए, टापू रहा नहीं पानी घट गया तो रास्ता अपने आप बन चुका है, पानी घट गया तो उसी टापू पर हम लोग जाने वाले हैं। अच्छा तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं उस टापू की ओर। ओके देखो भाई ये इसका फिर से ऑफरोडिंग स्टार्ट हो गया है हमेशा की तरह। ओ यार मस्त, ये मेरा बाइक सुन हो जाएगा, ये देखो नाइस। तो यहाँ बेहतरीन ऑफ रोडिंग सभी लोग कर रहे हैं। तो यार आ चुके हैं उस टापू पे हम लोग। अरे भाई तबाही सी नदी, पूरा तबाही मचा दी है इस टापू पे भाई। जो लोग मतलब पिकनिक कर रहे हैं ना वो लोग भी डर जाएंगे।
भाई आप फुल तबाही ऑफरोडिंग हम लोग कर रहे हैं। भाई साहब ये अगर जूते ना होते ना तो मेरा घुटना का नस दिख जाता। फाइनली पार हो गया यार। तो भाई लोग हम लोग यहाँ पे आए हैं कुछ फोटो शूट वगैरह करेंगे। ये यहाँ का ये जो पत्थर है ना बड़ा सा है, मस्त लग रहा है यहाँ पे। हर बाहर बकलो खड़ा कर रहा। ये देखो भाई साहब, तो अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं कुछ रेस्ट लेने के लिए यहाँ। और तीनों बाइक यहीं पे, चारों बाइक यहीं पे खड़ा किए हम लोग। और यहाँ पे सामने माइथन डैम। तो यार हम लोग निकलते हैं घर की ओर, चलो। कुछ मौज मस्ती करना बनता है यार। ले ओ यार, ये तो हमेशा गिरते ही रहता, कहाँ बताओ मेरे से। ये हमेशा गिरते ही रहता है। अरे ना ये बक देखो इस देखा भाई वो पत्थर बीच में आ गया था। चलो ओ भाई साहब यार सीन बता, अभी दोनों बजाते हैं भाई। यहीं पे ये रास्ता थोकल गए थे माइथन, तो अब निकलते इधर घर की ओर। भाई खींचे की देखिए क्या इसका कूलेंट भाई लिख हो गया है। देखिए देख रहे हो भाई, इसका मतलब कूलेंट भाई ओवर हीट होकर गिर गया, नीचे गिर रहा है ओवर हीट होकर कूलेंट इसका। खून देखो, खून बाइक का खून कैसे गिर रहा है भाई। तो ये हम आ चुके हैं जावा का शोरूम। तो गाइस शाम के बज रहे अभी 6:30 और हम हैं उषागराम में। तो सहवाज भाई का बाइक का कुछ काम हो रहा था शोरूम में, अब जा रहे वहीं लेने, उसके बाद निकल जाएंगे डायरेक्ट घर की ओर। कितनी भयंकर भयंकर गाड़ियाँ यहाँ पे हैं। तो गाइस बाइक हमने वहाँ से ले ली है, अब निकल रहे हैं घर की ओर। तो गाइस शाम बहुत हो गया, तो अब ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नेक्स्ट प्लेस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।